नमस्कार दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A30 में दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है जो है दोस्तों एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3 का। दोस्तों ये जो अपडेट काफ़ी बड़ा है और दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद हमारे फ़ोन में काफ़ी नए चेंजेस आ चुके हैं। दोस्तों क्या ये अपडेट हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा अपडेट आता है तो कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर लेके साथ में आता है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि ये जो अपडेट है इसमें हमें क्या नया अपग्रेड होकर मिलता है, इस अपडेट का साइज कितना है और इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या कमियां आ सकती हैं जिससे दोस्तों आपको बाद में पछताना ना पड़े इस अपडेट को करने के बाद। तो ये सब कुछ आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो अपडेट है ये इस अपडेट का साइज़ दोस्तों 2 GB और 14 MB का, यानी दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है। आपका सारा एक दिन का डाटा इस अपडेट को करने में निकल जाएगा क्योंकि दोस्तों ये अपडेट 2 GB से ऊपर का है। अब दोस्तों ये जो अपडेट है इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3 का इंटरफेस, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमारा जो फ़ोन है वो 1. कुछ पे चल रहा था, बट अभी दोस्तों जो हो जाएगा 3.1 पर, वन यूआई का जो 3.1 दोस्तों जो फीचर है वो इसमें आपको दे दिया जाएगा, जो दोस्तों काफ़ी फ्लेक्सिबल फ़ोनों में आता है। और दोस्तों एंड्रॉयड 11 भी साथ में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, आपके फ़ोन जो है दोस्तों काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। इसके दोस्तों जो सिस्टम होते हैं अंदर के वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे। दोस्तों इस फ़ोन में अब आपको नया क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ नहीं देखने को मिलेगी वो आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि आपके फ़ोन में कमियाँ क्या आएंगी। दोस्तों आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन वगैरह हैं जैसे आप सेटिंग ओपन करते हो या कॉल का जो डायलर ओपन करते हो, मैसेज दोस्तों वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको हर एप्लीकेशन के अंदर एक नया लुक देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके जो ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल होता है जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ डॉल करते हैं, दोस्तों वो भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, जैसे दोस्तों A50 में हो चुका है। और दोस्तों नए जिन फ़ोन में दोस्तों एंड्रॉयड 11 में उनमें आपने देखा होगा तो वो सारे फीचर इस फ़ोन में अब दे दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस फ़ोन में हमें और क्या नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि इस फ़ोन में आपको वो सारे फीचर नए देखने को मिलेंगे जो आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलते हैं। यानी दोस्तों आपके जो सेटिंग आइकॉन है वो थोड़े छोटे कर दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो दोस्तों आप इस अपडेट को करोगे तो आपका फ़ोन पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि आपके फ़ोन में कमियाँ क्या आएंगी। दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप इस अपडेट को करोगे तो सबसे पहले आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो हीट होगा, क्योंकि ये फ़ोन जो है काफ़ी सैमसंग के फ़ोन में दोस्तों बैटरी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती A50 और A30 में, तो आपका दोस्तों ये फ़ोन का बैटरी लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा इस अपडेट को करते टाइम। दूसरा दोस्तों जब आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में कर लोगे तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो दोस्तों पहले से कम चलेगी, क्योंकि ये जो अपडेट है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। और ये जो फ़ोन जब आया था तब इसमें एंड्रॉयड 8 या एंड्रॉयड 9 था, तो कंपनी उस हिसाब से बैटरी देती है फ़ोन के अंदर, बट ये जो अपडेट है दोस्तों काफ़ी बड़ा है। तो जब आप इसे अपने फ़ोन में अपडेट कर लोगे तो आपके फ़ोन की बैटरी पहले से कम चलने वाली है फिलहाल। और दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ लैगिंग के इशू आ सकते हैं, जैसे दोस्तों आपको फ़ोन लैगिंग कर सकता है गेम खेलते टाइम, या फिर दोस्तों कुछ भी थोड़ा बहुत आप अपने फ़ोन में मूवी वगैरह देखोगे तब दोस्तों आपको फ़ोन हल्का फुल्का लैगिंग कर सकता है। प्लस दोस्तों आपको फ़ोन थोड़ा हीट भी हो सकता है यूज करते टाइम, क्योंकि दोस्तों ये जो बक्स होते हैं ये नए अपडेट को करने के बाद होते हैं, उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों कंपनी उसको सोल्यूशन निकालती है, तुरंत एकदम सोल्यूशन नहीं आता। जब आप इस अपडेट को कर लोगे तो उससे कुछ टाइम बाद कंपनी फिर एक अपडेट देगी जिसमें दोस्तों आपके जो इशू आएंगे इस अपडेट को करते हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली A30 में जो अपडेट आ चुका है जो दोस्तों 2 GB से ऊपर का है, अगर आपको ये अपडेट करना है तो आप ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप इस अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन का लुक जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।